हेलो दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बरसात का मौसम में आलू चॉप। तो आलू चॉप बनाने के लिए चलिए हम सबसे पहले एक पैन ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद ये है सरसों का दाना, मस्टर्ड सीड। इसके बाद इसमें हम करी लीफ डालेंगे, करी लीफ के बाद ग्रीन चिल्ली चॉप, और थोड़ा सा भुनने के बाद हम प्याज डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा चलाएंगे, ज़्यादा ब्राउन भी ना हो प्याज, क्योंकि समोसा आलू चॉप के प्याज ब्राउन नहीं करते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर दिए हैं नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हल्दी। ये हमने हल्दी डाल दिया है। अब इसको हल्का सा चलाएंगे, थोड़ा सा भुनने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे आलू मैश पाउडर, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया था उसको मैश करके रख दिया है। तो ये हमने ऐड कर दिया है आलू। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, ये हमारा पूरे अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिल जाए। अगर इसमें हम थोड़ा सा बादाम डाल देते तो और ही कुछ टेस्ट बढ़ जाता, पर हमने बादाम इसमें ऐड नहीं किया है। ये हमारा मसाला बन के हो गया है रेडी। ये देखिए, अब हमने ले लिया है बेसन, इसमें हल्का सा सोडा डाला है, हल्का सा नमक, और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डाल करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये भी मिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसको जितना अच्छे से हम मिलाएंगे उतना अच्छा फूलेगा हमारा। तो कोशिश करें कि इसको अच्छे से बीट करें। ये देखिए, पूरा हमने लगभग बीट किया है एक मिनट तक। अब इसका बैटर देखिए क्या स्मूथ हो रहा है। अब हम जो है इसका गोला बना के इसको चिपटा चिपटा बनाएंगे ये, और बेसन में डिप करके फ्राई कर देंगे। तो हमारा पकौड़ा हो चुका है रेडी। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।